था 12 राशियों का राशिफल और अब बारी है आज के अचूक और विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि विगत कुछ दिनों से हमारे दर्शकों ने हमसे रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियां जाननी चाही थी, तो आज हम आपको रुद्राक्ष के प्राचीन और वैदिक रहस्य के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से मुखी रुद्राक्ष किस कारण से पहने जाते हैं और उनका लाभ क्या होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात रुद्र का अवतार माना जाता है, साक्षात रुद्र का स्वरूप है यह। 11 रुद्रों एवं भगवान शंकर के 11वें अवतार संकट मोचन महावीर बजरंग बली हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को सांसारिक ऐश्वर्य और संतान सुख प्राप्त होता है और उसकी सारी जो ऊपरी बाधाएं हैं, यदि आपके साथ ऊपरी बाधाएं जिसे भूत प्रेत इत्यादि कहते हैं, दूषित हवा जिसे कहते हैं, अगर ऐसी कोई समस्या है तो वो दूर हो जाती है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वह साक्षात इंद्र का स्वरूप माना जाता है। यह कार्तिकेय भगवान के समान समस्त प्रकार के ऐश्वर्य देता है और कामनाओं की पूर्ति करता है, अर्थात आपकी जो भी कामनाएं हों वो उन्हें पूरा करता है। इसे धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार की धातुओं एवं रसायनों की सिद्धि का ज्ञाता हो जाता है, स्वतः ही आपको उनकी जानकारी होने लगती है, आपकी रुचि उन धातुओं में उन रसायनों में होती है, आप पढ़ते हैं और आपको वह ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन वेदों के अनुसार कामदेव को भी 13 मुखी रुद्राक्ष का देवता माना गया है। इसका प्रभाव शुक्र ग्रह के समान होता है। यह निसंतान दंपतियों को संतति प्रदान करने वाला, सुख शांति सफलता एवं आर्थिक समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। वहीं 15 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। 15 मुखी रुद्राक्ष को भगवान पशुपतिनाथ का स्वरूप माना गया है। यह धारण करने वाले व्यक्ति को अर्थात धारक को आर्थिक एवं आध्यात्मिक स्तर को उठा करके उनके आध्यात्मिक स्तर को उठाते हैं और सुख संपदा के साथ साथ मान सम्मान, सामाजिक यश प्रतिष्ठा, कीर्ति और शांति प्रदान करते हैं। 15 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से नजर दोष और भूत बाधा से मुक्ति प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा इनको महत्व दिया जाता है, इनको इसी कारण से सबसे ज्यादा धारण किया जाता है। आइए अब जानते हैं 20 मुखी रुद्राक्ष का महत्व क्या है। 20 मुखी रुद्राक्ष को जनार्दन का स्वरूप कहा गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया। इसे धारण करने से भूत पिशाच आदि का भय नहीं रहता। 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को जिनकी कुंडली में क्रूर ग्रह बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हों, जैसे राहु केतु मंगल शनि इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो, तो इन क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इसे धारण करते हैं। इसे पहनने वाले व्यक्ति को सर्पादि अर्थात जो विषधारी प्राणी हैं, सांप इत्यादि, उनका भी कोई भी विशेष भय नहीं रह जाता। तो 20 मुखी रुद्राक्ष का यह महत्व है। इस प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि आपने कोई भी विशेष धार्मिक महत्व वाले रुद्राक्ष पहने हैं, किसी विशेष कारण से पहने हैं, तो ऐसे में आपको उसकी शुद्धता और पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के बारे में कुछ आम जो जानकारी है वो आपको अवश्य रखनी चाहिए, जैसे रुद्राक्ष पहन करके आप किसी के मरने में नहीं जाएंगे, कहीं ऐसे परिवार में ना जाएं जहां पे अशुद्धि की स्थिति हो, अशौच की स्थिति हो, किसी बच्चे के जन्म में आप नहीं जा सकते। यदि आपको जाना है तो वह रुद्राक्ष आप अपने घर के पूजा स्थान में रख करके बिल्कुल भी जा सकते हैं। अशुद्धता की स्थिति में आप रुद्राक्ष को लेकर के नहीं जाएंगे, इससे उसकी ऊर्जा प्रभावित होती है। और उसके साथ साथ मांस मदिरा का सेवन, पर स्त्री गमन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मना की जाती हैं। जो व्यक्ति इस तरीके के विशेष रुद्राक्ष को धारण करके ये सारे कुकर्म करते हैं, ये सारे कृत्य करते हैं, तो समझ लीजिए कि अशुभता की जगह आपको उसकी अशुभता ज्यादा मिलती है, देवता नाराज होते हैं और उसके बाद जो आपके साथ उसके प्रभाव आते हैं उसको कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पूजा पाठ जल्दी ठीक नहीं कर सकता। तो यदि आप ऐसे रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके आपको शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और इसके साथ ही हमें दें इजाजत, आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों के लिए आप देखते रहें समाचार प्लस।